नमस्कार दर्शकों, आज की चर्चा का विषय है कि एग की क्वालिटी नेचुरली कैसे इंक्रीज़ की जाए। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं उनके दिमाग में एग और फॉलिकल को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि जो फॉलिकल है वह स्कैन पे नज़र आता है, मगर एग जो है वो हम किसी भी तरीके से देख नहीं सकते। एग हम जो है सिर्फ IVF में ही देख सकते हैं, जिसमें हम एग को जो फॉलिकुलर फ्लूइड को बाहर निकालते हैं और इस पानी के अंदर हमें एग नज़र आता है जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसे लगते हैं कि डॉक्टर तो कह रहे हैं कि हमारी एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, मगर हमारे तो बहुत अच्छे फॉलिकल्स बनते हैं और हमारे स्कैन में डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि बहुत अच्छा है। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एग क्वालिटी जो है वो एग का जो नज़र आना है वो सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही नज़र आता है, और फॉलिकल जो स्कैन पे नज़र आता है वह बढ़िया बनता है, वह तो बढ़िया 50 साल तक बनता रहता है, मगर वही फॉलिकल जो बढ़िया बन रहा है उसके अंदर जो एग है वो हो सकता है बहुत बढ़िया ना हो, और उससे हो सकता है कि उतनी अच्छी प्रेगनेंसी ना हो। यानी कि वही अंडा जो पीरियड लाने के लिए सक्षम है वह बेबी बनाने के लिए सक्षम नहीं हो सकता। तो एग क्वालिटी क्यों ख़राब हो जाती है, या हम पेशेंट्स को जब कहते हैं कि आपकी एग क्वालिटी ख़राब हो गई तो उसके क्या क्या कारण होते हैं, और इनमें क्या कोई समाधान पॉसिबल है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि एग क्वालिटी क्यों ख़राब हो गई। अब एग क्वालिटी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे हम एग क्वालिटी के बारे में बात करनी शुरू करते हैं, वह है एज या लेडी की उम्र। जो लेडीज़ की उम्र कम होती है वह उनकी जो एग क्वालिटी अच्छी होती है, जो लेडीज़ की उम्र ज़्यादा होती है उनकी एग क्वालिटी जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है ख़राब होती जाती है। अब यही चीज़ कई बार हमारे पास 33-34 साल की लेडी आती है तो हम उनको बोलते हैं आपकी उम्र 33 साल है, आपकी उम्र 33 साल है, तो वो थोड़ी देर में खफा हो जाती हैं कि मेरा पति तो मेरे से 10 साल बड़ा है, तो आप इसको नहीं कह रहे कि आपकी एज ज़्यादा है, आप मुझे ही कह रहे हो कि मेरी उम्र ज़्यादा है। तो इस चीज़ में समझना है कि आदमियों का जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो एज डिपेंडेंट नहीं है। कोई भी आदमी जो है वो 70-80 साल तक भी फर्टाइल रह सकता है, मगर लेडी को भगवान ने बहुत लिमिटेड टाइम दिया है बच्चे पैदा करने के लिए, इसलिए इस उम्र को संभालना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ही हम स्कूल्स कॉलेजेस में और यंग बच्चों को काफ़ी एजुकेशन देते हैं इस चीज़ के बारे में कि अपनी जो आप प्रेगनेंसी है वह टाइम से प्लान कर ले, और 30 साल पहले एक बच्चा ज़रूर हो जाना चाहिए। तो जो एज है वो तो कोई बदल नहीं सकता है, मगर ये है कि बच्चे की जो प्लानिंग है वो एज के हिसाब से की जा सकती है यंगर एज ग्रुप में। सो सबसे पहले जो हमने डिस्कशन की वो ये कि एज जो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है एग क्वालिटी में, और कोई पेशेंट जिसकी एज बढ़ गई है और एज बढ़ने के कारण उसकी एग क्वालिटी ख़राब हो गई है, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा दवाएँ या टेस्ट नहीं बने हैं जिससे हम इनको ठीक कर सकें। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस या PCOD के कारण कई लोगों की एग क्वालिटी ख़राब हो जाती है। अब PCOD जो है वो बहुत कॉमन कंडीशन है, बहुत सारे लोगों को PCOD की प्रॉब्लम रहती है, हर तीसरी औरत को PCOD की प्रॉब्लम है। जो ज़्यादा एज के पेशेंट्स हैं जिनमें डायबिटीज़ होने लगी, ऐसे ही यंग लोगों में PCOD की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़कर आने लगी है, नज़र आने लगी। तो PCOD में क्या होता है कि ज़्यादातर 80-90% पेशेंट जो हैं वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, सिर्फ उनका अंडा बनाना होता है और उनको हम दिन बताते हैं ट्राई करने के लिए, या फिर किसी भी और छोटी मोटी ट्रीटमेंट से वह प्रेग्नेंट हो जाते हैं। 70-80-90% पेशेंट जो PCOD के हैं वह नेचुरल तरीकों से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। उसमें से कुछ 10-15-20% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जो हम उनको सलाह देते हैं कि आप IVF करा लीजिए, और कुछ पेशेंट्स IVF के बावजूद भी प्रेग्नेंट नहीं होते। उन पेशेंट्स में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण अंडे की क्वालिटी अफेक्ट हुई होती है, या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इसमें तब्दीली लाने से कुछ हद तक ठीक हो सकती है, पर कुछ पेशेंट्स की इन चीज़ों से भी ठीक नहीं होती। सो PCOD के पेशेंट्स अगर हमसे पूछें कि हाँ हम अपनी अंडे की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या करें, तो हमारी उनके लिए सलाह रहती है कि आप जो है अच्छी लाइफस्टाइल चेंजेस करिए, आप जो है वॉक करिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए, कार्बोहाइड्रेट या मीठे की इंटेक कम कीजिए, घी या ऑयल की इंटेक कम कीजिए, और अपना जो खान पान में जो फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बढ़ाइए, इससे आपके अंडे की क्वालिटी में कुछ तब्दीली आ सकती है। उसके बाद जो आती हैं वो आती हैं कि केमिकल एक्सपोजर, जो आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा केमिकल इनटेक, जो हम जंक फूड खाते हैं उसमें प्रेजर्वेटिव्स और केमिकल्स होते हैं, जो हम टिंड जो कैंड घर में लेके आते हैं फ्रोज़न फूड उसमें भी प्रेजर्वेटिव्स रहते हैं, इन सब चीज़ों से, या जो कॉस्मेटिक्स के केमिकल इनटेक है, या जो डाइट में कोक और ये जंक फूड है इनके इनटेक से भी एग क्वालिटी पर असर होता है। ज़्यादातर जो प्रेजर्वेटिव्स होते हैं इनमें केमिकल्स होते हैं जो जाकर हमारे जो
अंडे की क्वालिटी के ऊपर सीधा सीधा असर करते हैं। अब इन जो चीज़ों का सेवन है वह कम करने से भी एग क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। जो ज़्यादातर पेशेंट्स यंग एज में ऐसी प्रॉब्लम लेकर आते हैं उनके लिए हमारी ये सलाहें रहती हैं कि आप अपना केमिकल एक्सपोजर और केमिकल इनटेक कम करिए। उसके बाद आता है लास्ट में जो स्मोकिंग है। अब स्मोकिंग जो है वो बहुत कॉमन हो गई है फीमेल्स में भी, तो हम जो है उसमें उनको एडवाइस देते हैं कि खुद तो आप स्मोक कर ही नहीं सकते, उस आप अंडे के लिए बहुत घातक है। अंडे के लिए ही नहीं, ट्यूबों के लिए भी स्मोकिंग के अंदर जो निकोटीन रहती है वो बहुत घातक है। पर कुछ अच्छे संस्कारी बच्चे नहीं भी या लेडीज स्मोक नहीं भी करती हैं तो उनके अंदर पैसिव स्मोकिंग का एक्सपोजर रहता है, यानी कि जब वो उनके आसपास जो इन्वायरमेंट में लोग स्मोक कर रहे हैं उनसे उनको स्मोक का एक्सपोजर हो रहा है, जो भी स्मोकिंग करने के बराबर ही है अगर हम एग के ऊपर असर देखे तो आपने ना तो स्मोकिंग करनी है ना आपने स्मोकिंग को अपना जो एक्सपोजर है वह कम करके रखना है। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसी दवाएं आई हैं जो ज़्यादा उम्र के पेशेंट्स की एग क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हेल्प करती हैं, जिनमें से दो दवाएं हैं, एक है DHEA और एक कोएंजाइम क्यू। सो DHEA जो है वो जब शुरू में जब DHEA दवाई आई, ये एक तरह का मेल हार्मोन है जिसकी जब ये शुरू में आई तो एकदम से ऐसे लगा कि एक रेवोल्यूशनरी दवाई आ गई है जिसने जाकर और अंडे की क्वालिटी को एकदम इम्प्रूव कर दिया है। मगर धीरे धीरे जब साइंस और आगे बढ़ी, रिसर्च और आगे बढ़ी तो पता लगा कि ऐसा नहीं है कि ये दवाई एकदम जादुई दवाई है। कुछ पेशेंट्स में इसका असर होता है, कुछ पेशेंट्स में इसका असर बिल्कुल नहीं होता। तो जो DHEA नाम की जो दवाई है वह अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। ये जो दवाई से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं क्योंकि ये मेल हार्मोन है, तो इसमें बाल ज़्यादा उगने की, एक्ने होने की और हर तरह की प्रॉब्लम्स आने का भी डर रहता है। अपने आप से ये ना लें और 3 महीने से ज़्यादा करना इसका सेवन जो है वो बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है। 3 महीने के लिए हम कुछ पेशेंट्स को इसका ट्रायल देते हैं जो डोनर के लिए नहीं मानते और जिनको अपनी एग क्वालिटी दवाइयों से ही इम्प्रूव करनी होती है। उसके अलावा एक और दवाई आई है जिसको कोएंजाइम क्यू कहते हैं, कोक्यू, जो भी ओवर द काउंटर अवेलेबल है बाहर की कंट्रीज़ में, और इंडिया में भी ये बहुत आसानी से उपलब्ध है। ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है और ये एक तरह का कह लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी देने का एक तरह का प्रोडक्ट है जो जाकर माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत तेज़ी से काम करने के लिए बढ़ाता है। एंटी एजिंग तरह की जो चीज़ है बहुत कॉमनली लोग इसका सेवन कर रहे हैं, पर इससे भी ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ने वाला है। ये जो है इंपिरिकल दवाइयां हैं। इंपिरिकल का मतलब होता है कि हाँ दवाई देके देखा जाएगा कि असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर दवाई देने से कोई बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होगा। ऐसी जो दवाइयां हैं वो एक तो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए और इनके बारे में पहले से ही। कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स ये दवाइयां ले तो लेते हैं पर जब उसका असर नहीं आता तो थोड़ा दिल तोड़ लेते हैं कि दवाई का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उस पर इतने पैसे खर्च हो गए। तो एंटीऑक्सीडेंट्स और DHEA जो दवाइयां हैं ये इसी तरह से लें कि ये सोच के कि ये एम्पिरिकल दवाइयां, हो सकता है इनका असर हो सकता है इनका असर ना हो और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हमें इनको लेकर कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला। सो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि एग क्वालिटी एज के ऊपर डिपेंडेंट है और एज का ध्यान रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि यंगर पेशेंट में अगर प्रेगनेंसी होती है, जैसे कुछ पेशेंट्स को सलाह मिल जाती है कि आपने IVF करवाना है तो वह पेशेंट 8-10 साल ऐसे ही निकाल देते हैं सोचते, और जब तक वो IVF करवाने के लिए वाकई डॉक्टर के पास आते हैं उनकी काफ़ी एज हो गई होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ठीक नहीं है। IVF अगर सलाह मिल गई है IVF करने की तो जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ही IVF से सक्सेस रेट, IVF प्रोसीजर से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, बेसिकली पेशेंट के ऊपर काम हो रहा है, उसी के अंडे निकाले जा रहे हैं, बेबी बना के उसी के अंदर वापस रखे जा रहे हैं। तो ट्रीटमेंट की जो टेक्निक है वो तो सिर्फ कर रही है पर जो रॉ मटेरियल है वो पेशेंट से ही आ रहा है। तो एग क्वालिटी का जो है एज के साथ क्योंकि सीधा सीधा ताल्लुक है और सबसे बड़ा जो ये रिजल्ट के लिए पैरामीटर होता है एज, इसलिए एज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी शादी के बाद जो है 30 साल से पहले प्रेगनेंसी जो है अगर कर ली जाए तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो है केमिकल एक्सपोजर कम करना चाहिए, डाइट अच्छी इंप्रूव करनी चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़रूर होने चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, केमिकल एक्सपोजर कम करना चाहिए, और फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एक अच्छे सक्षम डॉक्टर के पास विजिट करें जो आपको एक अच्छी सलाह दें और आपको इस केस में आगे लेकर जाएं। फिर भी आपको अगर कोई एग क्वालिटी की इंप्रूवमेंट को लेकर सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।